हेलो गाइस, वेलकम टू एटॉमिक स्टडी। आज हम इसरो के टेक्नीशियन बी पोस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड का है, जो कि हेल्ड हुआ था 21/2/2015 को। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया है, जो इसमें 30 क्वेश्चन इंक्लूड थे। आज हम इसका सेकेंड और लास्ट पार्ट करेंगे। ये VSSC का क्वेश्चन पेपर था, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम 31st क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। So as you can see on the screen, the 31st question is a logic gate circuit that output a high only when both input are low। पूछ रहा है कि एक logic gate के जो है दो input दे रखे हैं, both input ये दोनों low हैं, तो कौन से circuit में high होगा। तो अगर हम OR gate की बात करें तो OR में क्या होता है, input का plus होता है, तो 0+0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका right answer होगा नहीं। एंड गेट में क्या होता है कि इनपुट का मल्टीपल करते हैं, तो 0×0 करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, यानी कि ये हाई नहीं हो रहा। अगर हम नैंड गेट की बात करें तो नैंड गेट क्या होता है हमारा, एंड गेट प्लस नॉट गेट। एंड गेट मतलब एंड गेट में मल्टीपल होता है, तो 0×0 करेंगे तो ये क्या आएगा, 0, और इसका अगर नॉट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगर हम नॉर गेट की बात करें तो नॉर गेट में क्या होता है, और गेट प्लस नॉट गेट। और गेट का अगर करें हम इनपुट तो प्लस होते हैं, तो 0+0 क्या हो जाएगा, 0, और इसका नॉट करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो 31st का सी और डी दोनों राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ cosx इज इक्वल टू 4/5 द वैल्यू ऑफ 10x इज, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे। हम सपोज करते हैं इसमें cosx की वैल्यू क्या होती है, ये होती है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, ये दे रखी है 4/5। तो इसकी वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर। तो बेस यहाँ पे 4 का स्क्वायर। इसको परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब, हाइपोटेनियस को बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं आधार। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर कितना जाएगा, 25 माइनस 4 यानी कि 16। 25 में से 16 गया 9, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो पी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो हमारा यहाँ पे लंब जो है कितना आ गया हमारा पे, 3। तो लंब है 3, आधार है 4 और कर्ण है 5। तो टेन एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो टेन एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू होता है कि परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, 3, और बेस कितना है, 4। तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा, यानी कि 3/4 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/4। अगर कोस एक्स 4/5 है तो टेन एक्स कितना आ गया हमारा, 3/4, यानी कि 32 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x+4 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो हम इस इक्वेशन के 5x को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हम क्या लिख सकते हैं, -4x - x लिख सकते हैं, और ये प्लस का 4 एज इज लिख देंगे। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा ये भीतर, एक्स माइनस का 4, और इन दोनों में कॉमन माइनस का 1 ले लेते हैं, तो ये भीतर बचेगा एक्स माइनस का 4, और इन दोनों में जो है हम इन दोनों में एक्स माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा भीतर, एक्स माइनस 1। तो हम ले लेते हैं यहाँ से एक्स माइनस 4 कॉमन ले लिया, तो दूसरा बचा एक्स माइनस का 1 इज इक्वल टू कितना है, 0। तो एक्स माइनस 4 को 0 के इक्वल टू रखें तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 4, और x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखें तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 और 1, यानी कि 1 और 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 का ये हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। 34 क्वेश्चन में दे रखा है कि द ऑपरेशन ऑफ सर्वो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर इज बेस्ड ऑन, जो हमारा सर्वो कंट्रोल्ड वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है वो किस पर बेस्ड होता है, तो ये क्लोज लूप मेथड पे बेस्ड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34 का सी। नेक्स्ट है 35 कि द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस आर सेंटीमीटर इफ द एंगल थीटा इज, तो हमें पता है कि सर्कल में जो दो रेडियस के बीच का पार्ट होता है घिरा, उसे हम बोलते हैं सेक्शन, यानी कि हिंदी बोलते हैं त्रिज्यखंड। और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और इसमें जो है थीटा से इसको कर देंगे, ये थीटा होता है, तो ये हो जाएगा
थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए। 36 का देख लेते हैं। अब माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑन सिस्टम ड्यूबिंग मीन्स, जो माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम होता है उसमें ड्यूबिंग का मतलब क्या होता है, तो ये मतलब होता है कि माइक्रो प्रोसेसर की गड़बड़ी को ठीक करना, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रबल शूटिंग अ प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को ट्रबल शूट करना, त्रुटि शोधन करना क्या कहलाता है, ड्यूबिंग कहलाता है। नेक्स्ट है कि अब माइक्रो प्रोसेसर इज एनालॉग डिवाइस डिजिटल डिवाइस, तो माइक्रो प्रोसेसर हमारा क्या है, यह एक डिजिटल डिवाइस है। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है कि अ सोलर सेल इज अ टाइप ऑफ, हमारा सोलर सेल है किस टाइप की डिवाइस है, तो ये हमारा फोटोवोल्टाइक डिवाइस होती है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कि सोलर सेल इज अ फोटोवोल्टाइक डिवाइस। 39 में देखते हैं कि एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर कांट फंक्शन एज अ, ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है किस तरह से कार्य नहीं कर सकता है, कंपैरेटर की तरह कि मल्टी वाइब्रेटर की तरह कि ऑसिलेटर की तरह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मल्टी जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है वो इनमें जो भी दिए गए हैं इनकी तरह बिहेव नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 40 क्वेश्चन में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कांट बी यूज टू मेजर प्रेशर, इनमें से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो प्रेशर को मेजर नहीं करती है। तो LVDT जो है एक ट्रांसड्यूसर है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है जो कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है, दैट मीन्स कि ये प्रेशर डिफरेंस को भी मेजर कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो है प्रेशर को मेजर कर सकता है, प्रेशर के डिफरेंस को, क्योंकि वो आपस में उनका डिफरेंस जो है लीनियरली मेजर करेगा। दूसरा ऑप्शन आता है पायरोमीटर, पायरोमीटर जो है हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। पायरोमीटर इज अ वर्क एज अ रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो 14 का बी है ये जो है प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता, ये किसको मेजर करता है, टेम्परेचर को। ओके और दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं, स्ट्रेन गेज तो प्रेशर को मेजर करता ही है, पिरानी गेज भी करता है, और LVDT के बारे में डिस्कस कर ही लिया। LVDT का जो प्रिंसिपल है वो ट्रांसफॉर्मर के सिद्धांत पे काम करता है। ओके तो ये क्वेश्चन बार बार कभी कभी पूछ देता है कि LVDT किस प्रिंसिपल पे काम करता था, हम बोल सकते हैं ट्रांसफॉर्मर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ कार हैज़ टू वाइपर, जो कार के पास हैं टू वाइपर, वाइपर्स वो होते हैं जो कार के शीशे पर लगे होते हैं और इसको ऐसे ऐसे करके रेन ड्रॉप होने पे सफाई करते हैं उसकी। ओके तो ये कह रहा है कि अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डज नॉट ओवरलैप, वो एक दूसरे क्रॉस नहीं करते। तो मान लीजिए ये एक कार का ये ऐसा शीशा है, तो यहाँ पे एक वाइपर यहाँ पे लगा हुआ है, एक वाइपर यहाँ पे लगा हुआ है, और ये दोनों अपना ऐसे सफाई कर रहे हैं। ओके और ये भी यहाँ पे ऐसे अपना सफाई कर रहा है। डायग्राम समझ लेते हैं बिकॉज डायग्राम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू सॉल्व द क्वेश्चन, तो इसको देख लेंगे। तो दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। फिर क्या पूछ रहा है कि ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड लेंथ ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर, इन दोनों की रेडियस कितनी है, आर सेंटीमीटर है, इसकी भी और इसकी भी। तो स्वीपिंग थ्रो एंगल ऑफ थीटा, और कितने कोण से कर रहे हैं, ये थीटा एंगल से स्वाइप कर रहे हैं दोनों की जो सेम है। तो टोटल एरिया कवर्ड इन ईच स्वीप ऑफ ब्लेड इज, ये पूछ रहा है कि ये दोनों जो स्वीपर हैं वो कितना एरिया, यानी कि इसका एरिया प्लस इसका एरिया कितना कवर्ड होगा। तो हमें पता है कि ये क्या बना था, एक सर्कल का सेक्शन बना रहे थे ये दोनों आपस में। ओके और सर्कल के सेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि हमने अभी ऊपर क्वेश्चन में किया था। और कितने वाइपर है, दो वाइपर हैं, तो ये हो जाएगा इंटू टू, तो टू इंटू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 41 का, ये हो जाएगा ए। ओके क्योंकि दोनों वाइपर हैं, एक सेक्शन का निर्माण करेंगे, त्रिज्यखंड का निर्माण करेंगे, दैट्स वाई। 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 में पूछ रहा है कि अ सर्टेन मीटर हैज़ अ सेंसिटिविटी ऑफ 50,000 ohm/volt, एक मीटर है जिसकी सेंसिटिविटी कितना दे रखा है, 50,000 ohm/volt दे रखा है। द करेंट रिक्वायर्ड टू डिफ्लेक्ट द मीटर मूवमेंट टू फुल स्केल विल बी, तो फुल स्केल जो है इसका, जो फुल स्केल में इसको डिफ्लेक्ट करने के लिए कितने करंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये क्वेश्चन ने पूछा है 42 में। तो हमें पता है कि जो 1 volt
में क्वेश्चन में दे रखा है कि गिवन रेटिंग कितनी है, 50,000 ओम पर वोल्ट है इसकी रेटिंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक वोल्ट वोल्टेज जो है कि इसमें फ्लो होती है, ये होती है आपके 50,000 ओम में, राइट। 50,000 ओम में 1 वोल्ट फ्लो होती है। तो फुल स्केल पूछ रहा है, फुल स्केल, तो फुल स्केल की रीडिंग कितनी होती है, ये होती है 100 वोल्ट की रीडिंग होती है। तो 100 वोल्ट कितने में फ्लो होगा, 50,000 × 100 में, 100 ओम में, इतने ओम में फ्लो होगा, राइट। तो ये तो हमारा आ गया क्या, टोटल रेजिस्टेंस, और ये आ गया हमारा टोटल वोल्टेज। पूछ रहा है करंट कितना होगा, तो फुल स्केल करंट के लिए I इज इक्वल टू V बाई R। V कितना है, 100 वोल्ट। R कितना है, ये हो गया आपका 5 × 10⁻⁴, 4 × 2 = 10⁶, यानी कि 5 मेगा ओम। तो हमारा R कितना दे दिया यहाँ पे, 5 मेगा ओम। और V कितना है हमारा, 100। तो I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू होता है V बाई R। V क्या है, वोल्टेज, R क्या है, रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज हमारा कितना है, 100 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 5 मेगा, यानी कि मेगा का मतलब 10⁻⁶, कितना, 6। तो 10⁶ अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो कितना आ गया, इसको कर दें हम, तो ये अपॉन में है तो माइक्रो में चला जाएगा, और इसको 5 को 100 से डिवाइड कर दे तो 20। तो ये 20 × 10⁻⁶ एम्पियर। तो 10⁻⁶ को क्या लिख सकते हैं, माइक्रो। तो ये आ गया आपका 42 का 20 माइक्रो एम्पियर। ओके, तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। 43 देखते हैं कि अ डिजिटल वोल्ट मीटर हैज 4 1/2 डिजिट डिस्प्ले, द 100 वोल्ट रेंज कैन बी अप टू। तो हमें पता है कि 4.5 डिजिट डिस्प्ले का मतलब क्या है। 4.5 डिजिट डिस्प्ले का मतलब है कि ये जो है DVM, यानी कि डिजिटल वोल्ट मीटर, ये जो है 0 से लेके और 4 बार 9, हाँ, और ये 1.5। तो ये 0 से लेके 19,999 तक की रीडिंग को मेज़र कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ 4.5 का मतलब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये जो है 1000 वोल्ट अप टू कितने तक मेजर कर सकता है, ये 19,999 तक की रेंज को भी, वैल्यू को ये शो कर सकता है मीटर पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि इन अ ट्रेन बाइनरी सिग्नल 1 बॉड इज इक्वल टू, तो 1 बॉड का मतलब क्या होता है, ये पूछा है क्वेश्चन में 44 में। ओके, तो 1 बॉड इज इक्वल टू होता है 1 बिट पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का सी। नेक्स्ट देखते हैं कि पूछ रहा है कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ मोड 17 काउंटर इज, मोड 17 काउंटर को बिल्ड करने के लिए कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे मोड 17 इज इक्वल टू कितना है, 2 की पावर n। तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n क्या है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, और मोड 17 क्या है, ये मोड 17 की वैल्यू दे रखी है। तो 17 को क्या लिख सकते हैं हम, 16 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 + 1। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 + 1 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो अगर दोनों आधार बराबर हो तो घात भी बराबर होती हैं, लेकिन ये प्लस में 1 है यानी कि कुछ ज़्यादा है, तो हमारा जो है n की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 4 आएगी, यानी कि 5। तो जो है हमारा कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे हमारे मोड 17 में, ये होंगे 5 फ्लिप फ्लॉप यूज। तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं 46 का, वेट ऑफ एल्यूमिनियम सीट डेंसिटी, यहाँ पे इतना दे रखी है, ऑफ साइज 1 मीटर विड्थ एंड 1 mm थिकनेस। तो पूछ रहा है कि वेट क्या होगा, डेंसिटी इतना दे रखा है, और तो हमें पता है कि डेंसिटी यानी कि घनत्व, रॉ इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी यहाँ पे 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर पर cc दे रखा है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे
तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.7 इज इक्वल टू मास, हमें निकालना ही है, ये हमारा वेट है मास, और हमारा साइज कितना दे रखा है 1 मीटर और 1 mm, तो इसको वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, 1 मीटर को अगर mm में चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 mm, इंटू थिकनेस कितनी है इसकी 1, और हाइट भी इसकी कितनी ली जाएगी 1, तो इसको अगर हम m की वैल्यू इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2.7, और ये ग्राम था ना, ग्राम सीसी, तो ये बन जाएगा अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 7.2 kg इज इक्वल टू एम, तो एम इज इक्वल टू कितना आ गया 2.7 kg, तो जो है हमारा 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, द एस्पेक्ट रेशियो इन अ टीवी रिसीवर, टीवी रिसीवर की एस्पेक्ट रेशियो क्या होती है, तो ये हमारा होता है 4:3 का। ओके नेक्स्ट देखते हैं 48 का, ये पूछ रहा है कि जियो स्टेशनरी सेटेलाइट आर प्लेस्ड इन इक्विटोरियल ऑर्बिट एट द हाइट ऑफ अप्रोक्सीमेटली, यानी कि जो हमारा भू स्थिर उपग्रह है वो भूमध्य रेखीय कक्षा में कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, तो ये हमारी फिक्स वैल्यू होती है 36,000 किलोमीटर पे, ये जो है इतनी डिस्टेंस पे स्थापित किया जाता है हमारे जो है भूमध्य रेखीय कक्षा से। नेक्स्ट है 49 की, द टीवी द कलर टीवी सिस्टम एडोप्टेड इन इंडिया इज, जो हमारा कलर्ड टीवी सिस्टम है वो इंडिया में किस सिस्टम पे बेस्ड होता है, तो ये हमारा होता है पाल सिस्टम पे। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 49 का बी। अगला देखते हैं कि एन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ वोल्टेज 50 गिव 10 वोल्ट आउटपुट, द वैल्यू ऑफ इनपुट वोल्टेज इज, तो जो हमारा एम्पलीफायर है उसमें पूछ रहा है कि इसकी जो है इनपुट वैल्यू क्या होगी अगर इसका आउटपुट वोल्टेज जो है 10 वोल्ट है, और इसकी जो है गेन दे रखी है कितनी 50, तो इसका सिंपल सा एक यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा कि AV यानी कि वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट, वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, हमें इनपुट निकालना है तो इनपुट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आउटपुट अपॉन गेन, तो यहाँ पे लिख देंगे वी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट कितना दे रखा है यहाँ पे 10 वोल्ट अपॉन गेन कितना दे रखा है 50, तो 10/50 का मतलब क्या हो जाएगा 0.2 वोल्ट, तो इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 200 मिली वोल्ट, क्योंकि इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिली में, 10^3 से कन्वर्ट कर देंगे तो मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये 200 मिली वोल्ट आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 50 का ए। 51 में पूछ रहा है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ अ साइड ए, जो हमारा समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो समबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a² तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 51 का, ये हो जाएगा ए। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस क्वेश्चन पेपर में जो सिंपल फॉर्मूला पूछ दिया, जैसे सेक्टर का फॉर्मूला पूछ दिया था, यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला पूछ दिया है एरिया का, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन इसमें ईजी आए हैं जो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ दिया है। अभी कुछ देर पूछा था कि साइड का जो है इसके पहले पार्ट में कि साइड का फॉर्मूला क्या होता है क्यूब के, तो 6a², तो ये सब आप थोड़ा विजिट कर लीजिएगा जितने भी फॉर्मूले हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ दे रहा है विदाउट किसी न्यूमेरिकल को दिए हुए। ओके 52 क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट वेवलेंथ, इनमें से किसके पास सबसे कम वेवलेंथ होती है, तो अगर हम रेडियो सबसे ज़्यादा वेव की बात करें वेवलेंथ की, तो ये होती है आपकी गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है, ये होती है 10^-13 m, इसकी वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी बिल्कुल मिनिमम होती है सारे वेव से। ओके और सबसे मैक्सिमम बात करें तो वो होती है रेडियो वेव की, इसकी जो वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो 1 मीटर के अप्रोक्स में होती है। ओके तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो रेडियो वेव की होती है 1 मीटर
माइक्रोवेव की होती है 10^-2 मीटर, अगर इन्फ्रारेड की बात करें तो 10^-5, ऐसे विजिबल रे की तो 10^-6 मीटर, यूवी की 10^-7 मीटर, एक्सरे की 10^-10 मीटर, इस टाइप से होती है। तो सबसे कम किसकी हो जाएगी, गामा की हो जाएगी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी। ओके, तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है कि टेलीफोन रिसीवर एम्प्लॉयज, टेलीफोन रिसीवर जो है 53 में पूछ रहा है कि किस चीज़ में यूज्ड होती है, तो ये होता है आपका क्रिस्टल माइक्रोफोन में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि इफ द डायमीटर ऑफ अ कॉपर वायर इज डबल्ड इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी बीकम, अगर हम डायमीटर को डबल कर दें, एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ओके, और इसको वी आई से कंपेयर कर देंगे तो हमारा आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये जाएगा आई इज इक्वल टू ए वी रो एल, और हम ए की वैल्यू अगर रख दें तो ये हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर वी, पाई आर स्क्वायर वी बाई रो एल। अब ये पूछ रहा है कि अगर हम डाया को डबल कर दें तो ये है क्या, आर है डाया, तो रेडियस आर है, तो आर को अगर आधा कर देंगे, आर को डबल कर देंगे तो डाया बन जाएगा, तो टू आर यहाँ पर रख दें, आर की जगह क्या कर दें, टू आर को डबल कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका 4R², यानी कि चार गुना क्या हो जाएगा इसका करंट, तो डाया को इंक्रीज करने से करंट कैपेसिटी इसकी बढ़ जाएगी, तो 54 का ये दो गुना है ना, चार गुना हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे चार गुना हो जाएगी। तो अगर हम डायमीटर को डबल करते हैं किसी कंडक्टर में तो उसकी करंट कैपिंग कैरिंग कैपेसिटी 4 times इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए। 55 में देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल हैज़ अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, किसका जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। सबसे पहले समझते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता क्या है। ये एक प्रोसेस है, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, ये किसी मटेरियल का अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो उसकी कंडक्टिविटी जो है इंक्रीज होने लगती है, इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। जैसे कि एग्जांपल बहुत सारे मटेरियल हैं, जैसे कि आपका कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब की जो है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट कितना होता है, ये 10^-8 के अप्रोक्स में होता है। अब कहो कि यहाँ पे अपने कार्बन का है तो कार्बन क्यों नहीं है, कार्बन भी है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है 10^-5 होती है, विच इज मच मोर लेसर देन 10^-8। तो मोर जो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट कैरी करता है वो एल्यूमिनियम ही करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एल्यूमिनियम को प्रेफरेंस देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो 55 का आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि द रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज 0.95, द मटेरियल इज, अगर किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी 0.95 होती है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा, वो डायमैग्नेटिक होगा या फिर पैरामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा या नॉन मैग्नेटिक होगा, तो ये हमारा होगा आपका डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसकी परमिएबिलिटी जिसकी एक से कम होती है वो डाया होता है, एक से ज़्यादा होगी तो पैरा होगा, एक से 1000 के बीच में होगी तो फेरो होगा, तो ये हमारा हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजरमेंट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक लॉस ऑफ कैपेसिटेंस, किसी मतलब किस चीज़ को डाई इलेक्ट्रिक लॉस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है कैपेसिटेंस में, किस टाइप के डिवाइस को, तो हम उसे बोलते हैं शेयरिंग ब्रिज। शेयरिंग ब्रिज से हम डाई इलेक्ट्रिक लॉस को मेजर कर सकते हैं। ओके, 58 देखते हैं, पावर कंज्यूम्ड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम विच विथ अ फ्लो ऑफ 5 एम्पियर इज, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू दे रखा है 10 ओम और आई की वैल्यू दे रखा है 5, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है आई स्क्वायर आर, आई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू आर की वैल्यू 10, बिल्कुल सिंपल है, यह आ गया आपका 250, तो 250 वाट आ जाएगा।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 58 का ये हो जाएगा आपका सी। क्लियर है। 59 देखते हैं कि पूछ रहा है इसमें कि हाउ हॉट वायर एनीमोमीटर इज यूज टू मेज़र, हॉट वायर एनीमोमीटर क्या मेज़र करता है। तो हॉट वायर एनीमोमीटर है वो गैस वेलोसिटीज को मेज़र करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 59 का, ये हो जाएगा आपका डी। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि सीआरओ किस लिए यूज़ होता है। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग के लिए यूज होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके गाइज, दैट्स फॉर टुडे, एंड ये आपका क्वेश्चन पेपर समाप्त हो गया है इसरो का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।